हे गाइस वेलकम बैक अगेन। सो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं फोर लेटर जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है डिलॉइट, माइंडट्री, देन विप्रो और टेक महिंद्रा कंपनी की तरफ से। डिटेल में देखेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है, यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, आप लोग कैसे अप्लाई करना है, किस रोल के लिए यहाँ पे हायरिंग शुरू, क्या पैकेज पे वो लोग हायर करें, सब चीज़ अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके लिए आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और अगर चैनल पर न्यू हो तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पहली जॉब नोटिफिकेशन के बारे में जो कि आई हुई डिलॉइट कंपनी की तरफ से। तो डिलॉइट यहाँ पे हायर कर रही है एडमिन एसोसिएट एनालिस्ट के लिए। लोकेशन यहाँ पे हैदराबाद रहने वाली है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे शिफ्ट टाइमिंग क्या रहने वाला आप लोगों का। तो 11 AM to 8 PM आप लोगों का शिफ्ट टाइमिंग रहेगा। यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे एनी बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप BSc के हो, BCom के हो, BE के हो, BTech के, कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है कि यही बैचलर डिग्री वाले उन लोग को चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग के पास में गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, रिटन एंड वर्बल, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग स्किल होनी चाहिए, देन आपके पास में नॉलेज होना चाहिए PC सॉफ्टवेयर का, बेसिक जो PC सॉफ्टवेयर में नॉलेज लगता है वो होना चाहिए आप लोग के पास में। देन आप लोग इंडिपेंडेंटली एंड प्लान एंड आर फ्लेक्सिबल इन अडॉप्टिंग योर शेड्यूल फॉर अर्जेंट असाइनमेंट। आप लोग की जो भी अर्जेंट असाइनमेंट रहने वाली है उसके लिए आप लोग रेडी रहने चाहिए। यू आर सोल्यूशन एंड कस्टमर ओरिएंटेड। देन यहाँ पे आप लोग ईगरली लर्न करना चाहिए न्यू टेक्नोलॉजी के लिए, रेडी रहना चाहिए न्यू टेक्नोलॉजी लर्न करने के लिए। अगर आप लोग ये वाली सब चीज़ के लिए एलिजिबल हो या फिर आप लोग के पास में स्किल है ये सब चीज़ की, तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई के लिए जस्ट यहाँ पे आप लोग को अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, देन आपकी पूरी डिटेल फिलअप करनी और आप लोग ये वाली कंपनी में अप्लाई हो जाओगे। तो ये थी अपनी आज की फर्स्ट लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। अब बात करते हैं अपनी सेकेंड जॉब नोटिफिकेशन के बारे में जो कि आई हुई है टेक महिंद्रा कंपनी की तरफ से। तो टेक महिंद्रा यहाँ पे हायर कर रही है परमानेंट वर्क फ्रॉम होम वैकेंसी एट टेक महिंद्रा कोलकाता के लिए। देन यहाँ पे आप लोगों को मैं एक्सपीरियंस बता दूँ तो 0 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, मीन्स यहाँ पे फ्रेशर्स एलिजिबल है। अगर आप लोग एक्सपीरियंस वाले भी हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 1.7 to 2 लाख पर एनम तक की आप लोगों की सैलरी रहने वाली है और यहाँ पे हायरिंग ऑफिस लोकेटेड कोलकाता के लिए हो रही है। ओके, अब डेजिग्नेशन की अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप लोग कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट के लिए है। देन यहाँ पे आप लोग मैंडेटरी क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या क्या मैंडेटरी चीज़ उनको रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे आप लोग के पास में मिनिमम HS पास रहने चाहिए आप लोग, देन फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोग के पास में एक्सलेंट रिटन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए इन हिंदी इंग्लिश में। देन आप लोग के पास में लैपटॉप डेस्कटॉप होना चाहिए जो कि अनेबल होना चाहिए वर्जन विंडो 10 से, और कनेक्ट होना चाहिए आप लोगों का वो वाईफाई से। ओके, और यहाँ पे आपके पास में मस्ट होना चाहिए एक्टिव एंटीवायरस। शुड हैव नॉट अप्लाई फॉर एनी फ्लिपकार्ट इंटरव्यू इन लास्ट 3 मंथ। ओके, मस्ट हैव 4 GB रैम रहनी चाहिए आप लोग के पास में। कस्टमर ओरिएंटेशन रहने चाहिए। देन रेडी टू वर्क इन 24/7 शिफ्ट के लिए। नो प्लान लीव फॉर अपकमिंग 3 मंथ्स आफ्टर ज्वाइनिंग। ओके, यहाँ पे आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद में आप लोगों को कोई भी लीव नहीं मिलने वाली है 3 मंथ तक। देन आपका जो वर्क रहने वाला है वो 9 आवर तक रहने वाला है, जिसमें आपका 8 आवर वर्क रहेगा और 1 आवर का आप लोगों को ब्रेक मिलने वाला है। देन शुड हैव अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 28 वर्ड पर मिनट विथ 85% एक्यूरेसी रहनी चाहिए। इंटरव्यू स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात करें अपन, क्या कैसे इंटरव्यू स्ट्रक्चर होने वाला है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का HR राउंड होएगा जिसमें आप लोग को जनरल चेक करेंगे। शुड हैव अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 28 वर्ड पर मिनट विथ 85% एक्यूरेसी। देन ग्रामर टेस्ट होएगा आप लोगों का। क्लाइंट राउंड होने वाला है जो कि वीडियो कॉल रहेगा। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो एजुकेशन मार्कशीट लगेंगी, आधार कार्ड लगने वाला है, पैन कार्ड लगने वाला है। ओके, अब की स्किल की यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पे नॉन वॉइस प्रोसेस, देन यहाँ पे BPO चैट प्रोसेस, रिटन कम्युनिकेशंस, कस्टमर सर्विस, इनबाउंड डोमेस्टिक प्रोसेस, यहाँ पे आप लोगों की स्किल लगने वाली है। अगर आप लोगों को ये वाली कंपनी में अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रजिस्टर टू अप्लाई या फिर लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करना है, आपकी पूरी डिटेल फिलअप करनी और आप लोग ये वाली कंपनी में अप्लाई हो जाओगे। तो ये थी आज की अपनी सेकेंड जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। अब चलते हैं अपनी थर्ड जॉब नोटिफिकेशन पे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आप लोगों को 5 to 40 लाख पर तक का पैकेज चाहिए होगा या फिर आप लोगों को फुल स्टैक डेवलपर बनना है वो भी बिना किसी फीस के, यहाँ पे गारंटी CTC के साथ में आप लोगों को प्लेस किया जाएगा टॉप MNC कंपनी में। तो उसके लिए आप लोगों को न्यूटन स्कूल की वेबसाइट चेकआउट करनी पड़ेगी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी, आप लोग वहाँ से जाके भी अप्लाई कर सकते हो।
और अगर आप लोगों को सही में फुल स्टैक डेवलपर बनना या फिर आपको अच्छे पैकेज पे सैलरी चाहिए होंगी तो आप लोग जरूर से जरूर जाके चेकआउट कीजिए। अब बात करते हैं अपनी थर्ड जॉब नोटिफिकेशन के बारे में जो कि आई हुई है माइंडट्री कंपनी की तरफ से। तो माइंडट्री यहाँ पे हायर कर रही है जावा स्प्रिंग बूट के लिए, हैदराबाद लोकेशन रहने वाली है। अब अपन बात करते हैं जॉब रिक्वायरमेंट क्या क्या आप लोगों को रिक्वायरमेंट लगने वाली है। तो जॉब यहाँ पे जावा माइक्रो सर्विस एंगुलर JS स्प्रिंग बूट, देन यहाँ पे आप लोगों को रिएक्ट JS प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट APIs यहाँ पे आप लोगों को रिक्वायरमेंट है। ओके लोकेशन यहाँ पे हैदराबाद है। देन मैंडेटरी स्किल यहाँ पे आप लोगों को अगर स्प्रिंग बूट आता है तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई के लिए यहाँ पे अप्लाई का बटन गिवन है, उस पर आप लोग क्लिक करना है और आपकी पूरी डिटेल फिलअप करनी है और आप लोग ये वाली कंपनी में अप्लाई हो जाओगे। और ऊपर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप आपका रेज्यूमे भी अपलोड कर सकते हो दूसरी कोई भी अपॉर्चुनिटी के लिए। ओके अब चलते हैं अपनी फोर्थ जॉब नोटिफिकेशन की तरफ जो कि आई हुई है विप्रो कंपनी की तरफ से। तो विप्रो यहाँ पे हायर कर रही है इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम के लिए, लोकेशन पैन इंडिया रहने वाली है। लास्ट डेट है 30 जून, 30 जून से पहले जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिए। देन यहाँ पे जॉब फंक्शंस गिवन है IT। अब CTC यहाँ पे गिवन है 15,000 पर मंथ। सैलरी ब्रेकडाउन अपन बाद में देखेंगे, उससे पहले अपन देख लेते हैं कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 10th 12th ग्रेजुएशन पास चाहिए उन लोगों को, 60% आप लोगों को क्राइटेरिया होना चाहिए। देन यहाँ पे आप लोग 2021 या 2022 के ईयर ऑफ पासिंग स्टूडेंट रहने चाहिए। क्वालिफिकेशन यहाँ पे गिवन है बैचलर डिग्री, जिसमें आप लोगों का BSc रहने चाहिए आप लोग, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर बैचलर ऑफ साइंस रहने चाहिए। एलिजिबल है बैचलर ऑफ साइंस में यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, IT, मैथमेटिक्स, स्टैटिक, इलेक्ट्रॉनिक एंड फिजिक्स वाले। अदर क्राइटेरिया गिवन है यहाँ पे वो भी देख लेते हैं, तो ओपन स्कूल रहने वाली है और डिस्टेंस एजुकेशन इज अलाउड 12th और 10th के लिए यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन अलाउ है। आपका 1 बैकलॉग रहना चाहिए एट द टाइम ऑफ जब भी आप लोग असेसमेंट टेस्ट दोगे उसके टाइम पे आपका ओनली 1 बैकलॉग रहना चाहिए। कैंडिडेट आर एक्सेप्टेड टू क्लियर द बैकलॉग अलॉन्ग विद द 6th सेमेस्टर। ओके मैंडेटरी है आप लोगों को स्टडी करनी है कोर मैथमेटिक्स 1 सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन में। अगर आप लोगों का बिजनेस मैथ्स है या फिर अप्लाइड मैथ विल नॉट बी कंसिडर एज अ कोर मैथमेटिक्स इन अ ग्रेजुएशन में। ओके मैक्सिमम 3 ईयर का आप लोगों का गैप इन एजुकेशन अलाउ रहने वाला है बिटवीन 10 टू आप लोगों का जो भी ग्रेजुएशन रहेगा उसमें। देन नो गैप आर अलाउ इन अ ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए 3 ईयर्स में ही। ओके अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उन लोगों को इंडियन सिटीजन ही चाहिए। ओके अब स्टाइपेंड की अपन बात करें तो फर्स्ट ईयर वालों का स्टाइपेंड लगने वाला है 15,000 प्लस 488 आप लोगों का ESI रहने वाला है, ज्वाइनिंग बोनस 75K रहने वाला है। सेकेंड ईयर का स्टाइपेंड रहेगा 17,000 प्लस 533 ESI रहने वाली है। थर्ड ईयर का स्टाइपेंड रहने वाला 19,000 और फोर्थ ईयर का स्टाइपेंड रहने वाला है 23,000। ओके आप लोग के परफॉर्मेंस पे डिपेंड रहेगा आप लोग कैसे परफॉर्मेंस देते हो। और फिर उसके बाद में अपन सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग की सबसे पहले राउंड होने वाला है ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट का, जिसमें आप लोगों को 80 मिनट्स की टेस्ट सॉल्व करनी है। 4 सेक्शंस रहने वाले हैं, वर्बल, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव एंड रिटन कम्युनिकेशन। जो आपके की वर्बल टेस्ट होने वाली है वो 20 मिनट्स के होंगे, 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें। एनालिटिकल टेस्ट भी आपकी 20 मिनट्स के होने वाली है, उसमें भी आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन क्वांटिटेटिव टेस्ट भी आपके 20 मिनट्स के होंगे, उसमें भी आप लोगों को 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रिटन कम्युनिकेशंस होने वाली है जो कि 20 मिनट्स के रहेंगी। फिर आप अगर ये टेस्ट आप लोग ने क्लियर कर लेते हो तो आप लोग सेकंड राउंड में पहुंचेंगे जो कि आप लोगों का बिजनेस डिस्कशन राउंड रहने वाला है। उसके बाद में आप लोगों का सर्विस एग्रीमेंट यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे आप लोगों का सर्विस एग्रीमेंट रहने वाला है 60 मंथ का। अगर आप लोग 60 मंथ के सर्विस एग्रीमेंट के लिए रेडी हो तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अप्लाई नाउ का बटन गिवन है, उस पर आप लोग क्लिक करना, आपकी पूरी डिटेल फिलअप करनी है और आप लोग ये वाली कंपनी में अप्लाई हो जाओगे। तो ये थी आज की अपनी 4 लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जरूर से जरूर अप्लाई कीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।